ये कहानी ऑस्कर नाम के एक बौने लड़के के ऊपर आधारित है, जो अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी नौकरानी से लेकर अपनी पड़ोसी तक को पेल डालता है और उनको प्रेग्नेंट कर देता है। अब इसके बाद ऑस्कर और क्या क्या कारनामे करता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द टिंड्रम और ये फिल्म 1979 में रिलीज हुई थी। कहानी शुरू होती है और हम ऐना नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने खेत में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर जोसेफ नाम का एक आदमी भागते हुए उसके पास आता है और पुलिस से छुपने के लिए उसकी मदद मांगता है। तभी ऐना अपनी जादुई गुफा खोलकर उसमें जोसेफ को छुपा लेती है, पर जोसेफ भी एक नंबर का हरामी होता है और वो ऐना की गुफा में ही उसका गेम बजाना शुरू कर देता है। फिर पुलिस के वहाँ से जाने के बाद वो दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं और एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन पुलिस जोसेफ को पकड़ ही लेती है, पर इससे पहले कि वो उसे मार डाले जोसेफ पानी में कूदकर वहाँ से गायब हो जाता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि वो डूब गया और कुछ का कहना है कि वो भागकर अमेरिका आ गया, जहाँ पर वो एक अमीर बिजनेसमैन बनकर ऐश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऐना और उसकी बेटी एग्नेस बाजार में सामान बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। एग्नेस अपने कजन जैन से प्यार करती थी जो एक पॉलिश पोस्ट ऑफिस में काम करता था। इसके अलावा एग्नेस एल्फ्रेड से भी प्यार करती थी जो एक जर्मन शेफ था। अब उन तीनों के एक साथ मचाए हुए कांड से एग्नेस को ऑस्कर नाम का एक बेटा होता है, जिसका बाप जैन था या एल्फ्रेड ये सिर्फ भगवान को ही पता है। अब पैदा होने के बाद ऑस्कर चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, पर जब उसकी माँ ने कहा कि उसकी 3 साल की उम्र होने पर वो उसे एक टिंड्रम देगी, तब जाकर ऑस्कर ने रोना बंद किया। फिर 3 साल का होने पर जब ऑस्कर ने अपने बर्थडे पार्टी में लोगों को शराब पीते हुए और नंगा नाच करते हुए देखा तो उसने डिसाइड किया कि वो कभी भी बड़ा ही नहीं होगा और अपने इसी महान काम को पूरा करने के लिए वो सीढ़ियों से कूदकर नीचे गिर जाता है। और अब उसके बाद से ही ऑस्कर हमेशा के लिए 3 साल का ही रह जाता है। ऑस्कर कभी भी अपने टूटे हुए ड्रम को खुद से अलग नहीं करता और जब भी कोई उससे वो ड्रम छीनने की कोशिश करता है तो ऑस्कर इतना जोर से चिल्लाता है कि वो अपनी आवाज से कांच को भी तोड़ देता है। अब टाइम बीतता है और हम देखते हैं कि ऑस्कर अब 6 साल का हो गया है, पर ना तो वो बड़ा हो रहा था और ना ही वो अपने टूटे हुए ड्रम को छोड़ रहा था, और अगर कोई उससे वो ड्रम छीनने की कोशिश करता तो ऑस्कर अपनी आवाज से कांच तोड़ देता। अब ऑस्कर की इस पावर को देखकर डॉक्टर्स भी हैरान थे, पर ऑस्कर के परिवार को सिर्फ ये जानना था कि वो बड़ा क्यों नहीं हो रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एग्नेस हर गुरुवार को ऑस्कर के साथ शहर जाया करती थी और काम के बहाने ऑस्कर को एक दुकान में छोड़कर वो जैन के पास जाकर उसके साथ घचागच किया करती थी। पर एक दिन ऑस्कर को अपनी माँ की इस चढ़ती जवानी के बारे में पता चल जाता है। अब कुछ साल और बीतते हैं और ऑस्कर अब 12 साल का हो चुका है। फिर एक दिन ऑस्कर अपने मॉम डैड के साथ सर्कस देखने जाता है, जहाँ पर कुछ बोने लोगों को परफॉर्म करता देखकर ऑस्कर के मॉम डैड को भी लगने लगता है कि शायद ऑस्कर भी बोना है। फिर सर्कस खत्म होने के बाद ऑस्कर बैबरा नाम के एक बोने से मिलता है, जो कि ऑस्कर के इस टैलेंट को देखने के बाद उसे अपने सर्कस में काम करने के लिए बोलता है। पर तभी वहाँ पर ऑस्कर के मॉम डैड आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एग्नेस जिस दुकानदार के पास ऑस्कर को छोड़कर जाया करती थी वो दुकानदार एग्नेस से प्यार करने लगा था। वो उसे और ऑस्कर को अपने साथ लंदन चलने के लिए बोलता है, पर तभी एग्नेस उसे मना कर देती है और उसे चूतिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद एग्नेस को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जैन का बच्चा है। अब इस बात से एग्नेस काफी परेशान रहने लगती है और परेशानी में वो बहुत सारी मछलियाँ खाती है, जो खाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहीं उसके पति एल्फ्रेड को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि जैन के पेट में किसका बच्चा है, वो सिर्फ एग्नेस को खुश देखना चाहता था। पर क्योंकि ऑस्कर के पैदा होने के बाद एग्नेस को कभी भी खुशी नहीं मिली, इसलिए वो उस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। और ज्यादा मछलियाँ खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब इसके कुछ सालों बाद हम ऑस्कर को देखते हैं जो अपना ड्रम ठीक कराने के लिए जैन को एक पॉलिश पोस्ट ऑफिस में लेकर जाता है। ये वो दौर चल रहा था जब जर्मनी पूरे पोलैंड पर हमला करके उसे अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पोस्ट ऑफिस में भी पोलिश लोग जर्मनियों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, पर तभी अचानक जर्मन उन पर हमला कर देते हैं और इस हमले में बाकी लोगों के साथ साथ जैन भी मारा जाता है। पर ऑस्कर किसी तरह बच जाता है और वहां से भाग जाता है। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एल्फ्रेड 16 साल की मारिया नाम की एक लड़की को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रखता है। मारिया दुकान के काम के साथ साथ ऑस्कर का भी ध्यान रखती थी और फिर कुछ दिनों में ऑस्कर को मारिया से प्यार होने लगा। ऑस्कर भी मारिया जितनी ही उम्र का था, पर मारिया को इस बात पर यकीन नहीं था और उसे लगता था कि वो अभी भी बच्चा ही है। फिर एक रात जब एल्फ्रेड किसी काम से शहर से बाहर जाता है तो ऑस्कर अपने अंदर की बढ़ती हवस को रोक नहीं पाता और वो मारिया के कंबल में घुसकर उसके साथ गचागच मचाना शुरू कर देता है। अब मारिया को भी इसमें मजा आ रहा था, इसलिए वो भी ऑस्कर को नहीं रोकती। अब धीरे धीरे ऑस्कर उसके और करीब आने लगा, पर फिर एक दिन उसे पता चला कि मारिया का एल्फ्रेड के साथ अफेयर चल रहा है। मारिया एल्फ्रेड से बहुत प्यार करती थी, पर एल्फ्रेड सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। अब इस बात से मारिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है,
पर जब ऑस्कर उसे संभालने उसके पास आता है तो मारिया उसे बोना बोलकर उसके पिछवाड़े पर लात मार देती है। अब कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि मारिया अल्फ्रेड के बच्चे की माँ बनने वाली थी और ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता था, पर मारिया ऐसा होने नहीं देती। फिर इसके कुछ दिनों बाद मारिया एक लड़के को जन्म देती है जिसको पाकर सभी लोग खुश थे, पर ऑस्कर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि ये बच्चा उसका है। दूसरी तरफ हम ऑस्कर के दोस्त बैबरा को देखते हैं जो कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान नाजी आर्मी में एक बड़ी पोस्ट पर काम करता था। फिर एक दिन उसने ऑस्कर को भी अपनी टीम में आने को कहा जो कि पेरिस में एक परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अब ऑस्कर उनके साथ मिलकर सभी को अपना टैलेंट दिखाने लगता है और इसके साथ उसे अपनी टीम की एक लड़की रोजविता से भी प्यार हो जाता है। अब टाइम बीतता है और हम देखते हैं कि ऑस्कर अपने बौने दोस्तों के साथ खुश था और वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा था, जैसे कि खाना पीना और घचागच करना। पर फिर एक दिन अमेरिकन सेना वहाँ पर हमला कर देती है और उस हमले में ऑस्कर की आइटम रोजविता मारी जाती है। अब उस हादसे के बाद ऑस्कर वापस अपने घर आ जाता है और वहाँ पर वो मारिया के 3 साल के बेटे को एक वैसा ही टिन ड्रम गिफ्ट करता है जो कि उसे उसकी 3 साल की उम्र में मिला था। अब मारिया ऑस्कर के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर अल्फ्रेड उसके आने से बहुत खुश था और उसने ऑस्कर को उन लोगों से छुपा कर रखा जो उसका इलाज करने के लिए उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहते थे, क्योंकि अल्फ्रेड को ऐसा नहीं लगता था कि ऑस्कर एबनॉर्मल है। अब शहर में जैसे जैसे तनाव का माहौल बढ़ रहा था तो अल्फ्रेड को भी डर के मारे ऑस्कर और अपनी एक पड़ोसी लीना को अपने घर के बेसमेंट में छुपा कर रखना पड़ता था। इसके साथ ही अल्फ्रेड को अपने नाजी सिपाही होने का सबूत भी छिपाना पड़ता था। फिर एक दिन अचानक रशियन सिपाही उनके घर पर घुस आते हैं और वो अल्फ्रेड के सामने ही लीना के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वहीं अल्फ्रेड की नाजी सिपाही होने की सच्चाई छुपाने के लिए ऑस्कर उसे एक पिन देता है जिस पर उसके नाजी सिपाही होने के बारे में लिखा हुआ था, पर तभी अल्फ्रेड बचने के लिए उस पिन को निगल लेता है और वो पिन उसके गले में अटकने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर अगली सुबह मारियस नाम का एक आदमी अल्फ्रेड की दुकान पर आता है और अब वो उस दुकान का नया मालिक था। अब दुकान को अपने कब्जे में करने के बाद मारियस अल्फ्रेड का फ्यूनरल कर देता है क्योंकि उसने भी रिसेंटली अपनी पत्नी और बच्चों को खोया था और वो अपनों को खोने का दर्द अच्छे से समझता था। वहीं अल्फ्रेड के फ्यूनरल पर ऑस्कर को भी समझ आ जाता है कि अब उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए ऑस्कर अब डिसाइड करता है कि अब वो फिर से बड़ा होगा। फिर ऑस्कर अपने ड्रम को भी अल्फ्रेड के साथ ही दफना देता है, पर तभी कहीं से एक पत्थर आकर ऑस्कर के सर पर लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वहां मौजूद एक आदमी बताता है कि ऑस्कर अब बड़ा होने लगा है। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एना को छोड़कर सभी लोग उस शहर को छोड़कर चले जाते हैं, जहां ऑस्कर को अब पता चलता है कि उसकी चिल्लाने की शक्ति भी जा चुकी है। लास्ट में एना वहीं पर ही रह जाती है जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।